और एक दूसरी पुस्तक है आर्यभट्ट संहिता, उसका नाम है। इन दोनों पुस्तकों में सैकड़ों नहीं हजारों हजारों सूत्र हैं सूरज के बारे में, चंद्रमा के बारे में और दूसरे ग्रहों के सूरज के अंतर संबंधों के बारे में। और आप जानते हैं सबसे पहले दुनिया में ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, इस तिथि को होगा, इस दिनांक को होगा, इस साल में पड़ेगा, ये सारे के सारे ठीक ठीक गणनाएं सबसे पहले शुरू किया महर्षि आर्यभट्ट ने। शुरू महर्षि आर्यभट्ट की शुरू की गई गणनाएं चंद्र ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की, हजारों साल बिल्कुल सच साबित हुई और उसके आधार पर पंचांग विकसित हुआ। और आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं महर्षि आर्यभट्ट के बारे में कि उन्होंने सूरज का, पृथ्वी का, दूसरे ग्रहों का जब अध्ययन किया बारीकी से, गहराई से, और उन्होंने देखा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से दिन है और दिन रात हो रहे हैं, तो दिन कितने घंटे का हो रहा है, रात कितने घंटे की हो रही है, और बारीकी से करते करते उन्होंने 7 दिन निर्धारित कर दिए। और वो 7 दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये जो 7 दिन महर्षि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले निश्चित कर दिए, सारी दुनिया अभी तक 8वां दिन नहीं खोज पाई। महर्षि आर्यभट्ट ने